ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? इज माय वॉइस ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल? प्लीज मैसेज मी। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल एंड माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कल हमने डिस्कस किया था, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, वहीं से हम उसको स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने उसको छोड़ दिया था, एंड अदर थिंग्स उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो इज माय वॉइस क्लियर? एक बार मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। एंड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो व्हाट वी लर्न इन द लास्ट क्लास? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कुछ एविडेंसेस, ठीक है, और जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज है उसके बारे में। अब इवोल्यूशनरी थ्योरीज को हमने डिटेल में जाकर डिस्कस नहीं किया, उसका ओवरव्यू किया था हमने। आज के क्लास में हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइमलाइन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली तीन चीजें हमारे पास है आज। एक है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एक है जियोग्राफिकल टाइमलाइन या जियोलॉजिकल टाइमलाइन भी कहा जाता है, ठीक है, या टाइम स्केल भी कहते हैं उसको, और तीसरा चीज हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला एक दो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, यहाँ पे आपको जो है मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिसयूज ऑफ ऑर्गन का जो आइडिया है वो किसने दिया था। ऑप्शन ए है लैमार्क ने दिया था, ऑप्शन बी है मॉर्गन ने दिया था, ऑप्शन सी है डार्विन ने दिया था, या ऑप्शन डी है ह्यूगो डी व्रिस ने दिया था। सो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपके आंसर सेंड कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर ऐड कर दीजिए इसमें चैट बॉक्स में।
ठीक है, किसी को अगर पता है आंसर तो आंसर दीजिए, नहीं पता है तो हम डिस्कस करेंगे इसको। चल, द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वॉज गिवन बाय लैमार्क। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग आते हैं। अब अगर हम मॉर्गन की बात करें, ठीक है, तो मॉर्गन जो है उसने हमें आइडिया दिया था लिंक जीन का, ठीक है। तो मॉर्गन ने हमें बताया था लिंक जीन के बारे में, ठीक है। उसके बाद डार्विन जो है उन्होंने हमें आइडिया दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, और नेचुरल सिलेक्शन जो है ना ये प्रोसेस बिल्कुल अगेंस्ट जाती है लैमार्क के, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिस जो है इन्होंने हमें कहा था कि म्यूटेशन होता है सेल के अंदर, ठीक है, और इस म्यूटेशन के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन आगे चल के होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन हम हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को स्टार्ट करेंगे। दिस इज ट्रू ऑफ पॉपुलेशन विच आर इंक्लूड इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। मतलब कौन सी चीज, मतलब जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी चीज करेक्ट हो सकती है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, ठीक है, या ये करेक्ट चीज हो सकती है। ऑप्शन बी है पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड एंड स्मॉल। ऑप्शन सी है मेटिंग इज रैंडम, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज डी प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑकरिंग, ठीक है। सो प्लीज आंसर मी इन चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखना कि जब भी हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, मतलब एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस पॉपुलेशन के अंदर स्पेसिफिकली बाहर से माइग्रेशन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में। सो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड एंड स्मॉल, ये भी नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन हमें लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए और लार्ज होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग ये जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, अगर मेटिंग रैंडम होती है तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या हम कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है, उसमें डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। अब जब मेटिंग रैंडम होगी तो क्या होगा कि जीनोटाइप जो है या जीन रहेगा या जीन पूल जिसे हम कहते हैं, दैट इज द कलेक्टिव वन ऑफ टर्म फॉर द जीन, ठीक है, मतलब कलेक्टिव जीन्स जो रहते हैं ना, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर का जो जीनोटाइप रहेगा उसे हम जीन पूल कहेंगे। जैसे कोई एक गांव है तो गांव के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हो गया उस गांव का जीन पूल, ठीक है। तो रैंडम मेटिंग जब होती है तो ऐसे कंडीशन में जो अलील्स रहते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ कंडीशन क्या है, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, आपको रैंडम मीटिंग इससे ध्यान में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे कास्ट में शादी करने का सिस्टम, ठीक है, तो कास्ट में शादी करना मतलब ये रैंडम मेटिंग नहीं हुआ या रैंडम जीन पूल डेवलप करना नहीं हुआ, तो वो क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक जीन है वो एक ही मतलब स्पेसिफिक कास्ट में ही लिमिटेड रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग अगर होता है तो कैरेक्टर्स जो रहेंगे पॉपुलेशन के वो स्प्रेड आउट रहेंगे, मतलब वो फैले हुए रहेंगे पूरे पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। सो रैंडम मेटिंग इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए।
अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरल सिलेक्शन उस पॉपुलेशन में हो रहा है, इसका ही मतलब इवोल्यूशन क्या हो रहा है वहां पर, इवोल्यूशन चल रहा है, इवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस है। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल अपोजिट है इसके, इवोल्यूशन के। ठीक है, मतलब जहां पे इवोल्यूशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काम कर रहा। तो इस वजह से ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। सो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा छूट गया था कल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हार्डी वेनबर्ग ये कौन है? हार्डी एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है जो इंग्लैंड में रहता है। ठीक है, ही वॉज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन। और ये वेनबर्ग एक जर्मन डॉक्टर है। ठीक है, ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन। वन मिनट। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर एक प्रिंसिपल हमें दिया जिसे हम कहते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, ये जर्मन था। अब इन्होंने क्या बताया, इट्स से दैट, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ फिर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इट्स से दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इट कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर बोला। मतलब अगर डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो वहां पे, ठीक है, डिस्टर्बिंग फैक्टर का मतलब हम देखेंगे बाद में कौन कौन से डिस्टर्बिंग फैक्टर रहते हैं, तो वहां पर जो अलील फ्रीक्वेंसीज रहेंगे। अब अलील का मतलब क्या होता है इसके बारे में आई थिंक आपको पता है। ठीक है, अलील का मतलब क्या होता है कोई बता पाएगा? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जीन के ऊपर जो फॉर्म ऑफ प्रेजेंस रहता है डीएनए का, ठीक है, तो उसे हम अलील कहते हैं। ठीक है, सो एनी टू फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं, स्पेसिफिकली ये क्रोमोसोम्स है समझो, तो क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक लोकस के ऊपर, ठीक है, जो हमें चीज मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर उसे हम अलील कहते हैं। ठीक है, ये अलील सेम भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर होमोजाइगस की तो होमोजाइगस अलील देखने को मिलते हैं, अलील डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट सेम लोकस इन द सेंस उनका काम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे हम सिस्टम के लिए रहेगा। जैसे हम बात करते स्किन वाले अलील की, ठीक है, तो स्किन के अलील में हमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं। अगर ये होमोजाइगस है तो एक ही तरीके का स्किन का जो अलील का सीक्वेंस है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये हेटरोजाइगस है तो एक दूसरा रहेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे दो पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स के अंदर का एक क्रोमोसोम आया, एक बच्चे के अंदर एक दूसरा क्रोमोसोम आया, एक पेरेंट्स जो है वो फेयर है और दूसरा पेरेंट्स जो है वो फेयर नहीं है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा डार्क कलर है। ठीक है, अब देखो ये जो अलील है ये किस लिए काम कर रहा है, स्किन के लिए काम कर रहा है, बट यहाँ पर फेयर अलील हमें देखने को मिलेगा, फेयर अलील इन द सेंस जो कैरेक्टर फेयर के शो करेगा ऐसा। तो इसी वजह से बोला गया है एनी टू फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस इन द टू जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर, मतलब ये स्पेसिफिक लोकस किसके लिए दिया गया है, स्किन के लिए, ये शायद आईज के लिए हो सकता है, ये शायद बाकी ऑर्गन्स के लिए हो सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब सेम मतलब एक जैसे अलील रहेंगे, हेटरोजाइगस का मतलब डिफरेंट, तो ये शायद आप लोगों को चीजें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अलील फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी पॉपुलेशन के अंदर, स्टेबल रहेगी। ठीक है, और ये स्टेबल कब तक रहेंगी, जनरेशन टू जनरेशन तक। अब हम थोड़ा दूसरा दिमाग लगा के देखते हैं यहाँ पर। अब अलील फ्रीक्वेंसी अगर स्टेबल है किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, इसका मतलब वहां पर इवोल्यूशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिकॉज हमें पता है इवोल्यूशन के अंदर क्या आते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं। जेनेटिक चेंजेस आएंगे मतलब क्या होगा, अलील्स के अंदर चेंज होगा। ठीक है कि नहीं,
और अलील के अंदर अगर चेंज होगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है। इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो कि एक कम्युनिटी है जो बहुत फेयर कम्युनिटी है, मतलब उनका स्किन टाइप बहुत फेयर हमें देखने को मिलता है, बट क्या होता है वहां पर एक अफ्रीकन कंट्रीज से कोई पर्सन आता है उस कम्युनिटी के अंदर और किसी से वो शादी कर लेता है, ठीक है, एक फेयर स्किन फीमेल से वो शादी कर लेता है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उसके बाद में, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेयर अलील देखने को मिलेगा या डार्क अलील भी देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मिक्स अलील देखने को मिलेंगे उसके बाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये क्या हो गया, एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हो गया उस कम्युनिटी के लिए। उस कम्युनिटी के अंदर क्या हो गया, अब चेंज आ गया किसी तरीके से, शायद छोटा सा चेंज क्यों ना आए वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हार्डी वेनबर्ग जो है, इन्होंने ये थ्योरेटिकल मतलब एग्जाम्पल हमारे सामने रखा था। अब इसका प्रैक्टिकल कितना वैल्यू है, ठीक है, इसके बारे में डिफरेंट टाइम्स में साइंटिस्ट काम करते हैं इसके ऊपर, और इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से ही हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर या स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने एक इक्वेशन हमें दिया था और उस इक्वेशन का सम टोटल आता है 1। वो अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, और अगर वो 1 नहीं आ रहा है, वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है वहां पर, तो हमें पता चल जाएगा कि उस स्पेसिफिक कम्युनिटी में या पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक दो चीजें हमने कल भी लिखी थी, ठीक है। अब ये क्या है, थेरोटिकल सिचुएशन जो रहता है, ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करके तो नहीं बताया था वो टाइम के अंदर, इन्होंने एक थेरोटिकल फिनोमिना दिया था, थेरोटिकल फिनोमिना, ठीक है, या थेरोटिकल कंडीशन रची थी हमारे सामने, ठीक है, कि किसकी थेरोटिकल कंडीशन रखी थी, नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन की, ठीक है, मतलब जिस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वहां पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रहेगा, उन्होंने ये हमें बोला गया, ठीक है। अब देखो, इवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा रीजन रहता है म्यूटेशन, ठीक है। तो हार्डी वेनबर्ग कंडीशन जो है, जो मैंने बोला था एक इक्वेशन उन्होंने दिया था, वो इक्वेशन कौन सा है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल की बात हम करेंगे, ठीक है। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक मिनट, देखो ये इक्वेशन है हार्डी वेनबर्ग के लिए, ठीक है। So, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, उन्होंने क्या किया, एक पी और क्यू ऐसे दो मतलब यहाँ पर इंटीजर्स लिए, ठीक है, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी अलील के साथ उनको मैच कर लिया। जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल ए की देखते, मतलब हमने हमें पता है ना, अगर टॉल है कंप्लीटली जीनोटाइप फिनोटिपिकली वो ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको जो है होमोजाइगोट जो कंडीशन रहेगी, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन, बट अगर कैपिटल है तो डोमिनेंट कंडीशन हम शो करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने दिया पी नाम का वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में अगर कंप्लीटली रिसेसिव कंडीशन है, मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए है, ठीक है, तो उनके लिए दिया उन्होंने क्यू, ठीक है। और बोथ कंडीशन है, मतलब दोनों भी कंडीशन अगर वहां पर हमें मिलती है, तो उन्होंने दिया वहां पर पी क्यू, मतलब बी या कैपिटल ए के लिए पी और स्मॉल ए के लिए क्यू, इस तरीके से। और मैथमेटिकल एक हमारा फॉर्मूला रहता है, उसी फॉर्मूले में उसको रख दिया, जैसे पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, ठीक है। मतलब ये हो गया एक इक्वेशन जिससे हम जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है।
सो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन द पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम, और वो चेंज क्यों होगा तो इवोल्यूशन के कारण होगा। अब उसके फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर हमें देखने को मिलेगा जीन माइग्रेशन, दूसरा फैक्टर मिलता है हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है, अपना अगर पेन बुक है तो उस पर लिख लो। नेक्स्ट है म्यूटेशन, ठीक है, उसके बाद है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अब एक एक चीज हम थोड़ा सा आराम से देखते हैं। यहाँ पर जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं जीन माइग्रेशन, ठीक है। सो ये क्या, एक तरीके का जेनेटिक फ्लो है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनादर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई एक कम्युनिटी है, जैसे मान लेते ब्रिटिश कम्युनिटी है, ब्रिटिश कम्युनिटी का स्किन केयर है फेयर, ठीक है, बट वहां पर एक अफ्रीकन बंदा जा रहा है, ठीक है, जिसका स्किन कलर है डार्क, ठीक है, मतलब क्या हो गया वहां पर, जीन माइग्रेशन हुआ। सो इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, तो दोनों भी पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी दोनों भी, तो यहाँ के यहाँ इस पॉपुलेशन में जाएंगे, इस पॉपुलेशन के इस पॉपुलेशन में आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में दोनों भी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज होगी, ठीक है। और ये अगर बहुत बार होता रहा इसी तरीके का कंडीशन, तो वहां पर जो है ऑब्वियसली न्यू अलील जो है इंट्रोड्यूस हो गए और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या रहता है, एक तरीके का फ्लो रहता है जीन का, ठीक है, ये एक सडन फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, सेवेल राइट इफेक्ट, ठीक है, सेवेल राइट इफेक्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली। इसको हम फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। अब फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होगा, एक स्पेसिफिक, समझो मान के चलो कि एक स्पेसिफिक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, वो आइलैंड धीरे धीरे थोड़ा माइग्रेट होते जाएगा, ठीक है, या कुछ चांस मिल जाएगा उस कम्युनिटी को दूसरे आइलैंड पे जाने का, ठीक है। अब तक ये कम्युनिटी कहीं भी गई नहीं है, ठीक है, अब तक ये अपने आइसोलेटेड आइलैंड पर ही है, तो ये कम्युनिटी क्या करती है, एक नए आइलैंड पर चली जाती है, ठीक है, और ये नए आइलैंड के ऊपर बहुत ही कम वहां की जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर पॉपुलेशन है वो बची हुई है, ठीक है, तो ये कम्युनिटी वहां पर जाके बस जाती है, ठीक है, और बसने के बाद में ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है, और वहां की पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या हो जाती है, कम होती जाएगी, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। सो जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये बाय चांस जीन जो है फ्लो होगा और उसके वजह से वहां की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहले रेड इंडियंस रहते थे, अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे वहां पर रेड इंडियन, मतलब उनको बोला जाता था रेड इंडियन, ठीक है। अब वो रेड इंडियन वहां पर हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में देखने को मिलते आज के कंडीशन में, या बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अब क्यों ऐसा हो गया होगा, रेड इंडियन का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो रेड इंडियन मतलब जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ढूंढना शुरू हो गया, वैसे तो इंडिया को ढूंढते ढूंढते मिल गया, वो मतलब कोलंबस इंडिया में आने के लिए निकला था, बट कोलंबस चला गया यूएसए, ठीक है, और उन्होंने वहां के लोग जो दिखे उनको सबसे पहले उनको इंडियन इंडियन कहना शुरू किया, और उनका स्किन का कलर रेडिश था, तो इसके वजह से हो गया रेड इंडियन। अब क्या हो गया कि अब यूरोपियन लोग उस कॉन्टिनेंट पर जाने लगे और पूरे तरीके से उस रेड इंडियन को उन्होंने वैनिश कर दिया, उनको खत्म ही कर दिया, और अमेरिकन लोग जाके वहां पर बस गए, तो इससे हम कहेंगे एक तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब वहां का जो मेन पॉपुलेशन था वो वैनिश हो गया पूरी तरीके से और न्यू पॉपुलेशन वहां का आके भर गया। अब इसी कंडीशन को है ना फाउंडर इफेक्ट भी कहा जाता है। फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि एक न्यू
पॉपुलेशन आएंगी और वो क्या करेगी, वहां पर नए पॉपुलेशन का डेवलपमेंट करेंगी, मतलब फाउंडिंग करेंगी, ठीक है, बेस करेंगी, उनको बेस बनाएंगी, और ओरिजिनल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी पूरी तरीके से वहां पे चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उससे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है मतलब वहां पर हार्ड्री वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट रहता है म्यूटेशन, ये तो मतलब मेरा फेवरेट है, ठीक है। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, सडन चेंज इन द डीएनए, ठीक है। अब डीएनए के अंदर जब चेंजेस होते हैं, अब ये चेंजेस कब होते हैं, जैसे अभी भी हमारे शरीर में रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रहा है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जब चलता रहता है तब उसके अंदर क्या आने लगते, चेंजेस आने लगते, और ये चेंजेस धीरे धीरे अकुमुलेट होते होते एक बड़ा सा चेंज हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये अगर हो रहा है तो बिकॉज हमें तो पता है म्यूटेशन के वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, म्यूटेशन इज इक्वल टू इवोल्यूशन, और इस वजह से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम वहां पर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट रहता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल मैंने पहले भी मतलब दिया है, बट मैंने नाम नहीं लिया था रिकॉम्बिनेशन का, जब मैंने बोला था कि कोई फेयर फीमेल है उसके साथ कोई डार्क मेल अगर मेटिंग करता है, शादी कर लेता है, तो उनको जो होने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो मिक्स अलील के रह सकते हैं, आइदर वो फेयर भी रह सकते हैं और डार्क भी रह सकते हैं, मतलब ये तीनों कंडीशन हमें वहां पर देखने को मिलेगी, या मिक्स भी रहेंगे, ठीक है, बहुत मतलब अलील उनमें रह सकते हैं। तो ये क्यों होता है, तो हमें पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम का एक सिस्टम, मतलब जब भी मियोसिस चलता है, मियोसिस से दो सेल बनते हैं, हमें पता है मियोसिस जब चलता है उससे दो सेल बनते हैं, एक मेल में बनता है स्पर्म सेल, ठीक है, और फीमेल में बनता है एग सेल, ठीक है, या हम ओम जिसे कहते हैं वो, ठीक है। अब इस मियोसिस प्रोसेस में होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि हमारी जितनी 46 क्रोमोजोम है उसमें से हमें अगर 23 सिलेक्ट करना है, तो ये 23 सिलेक्टेड क्रोमोसोम जो रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से मिक्स होके आएंगे। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस आई थिंक आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो रिकॉम्बिनेशन के वजह से भी क्या होता है, कैरेक्टर का फ्लो बनता है, मतलब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते, क्यों जाते, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कहाँ पर आता है, आइदर स्पर्म में आता है या एग में आता है, और जब ये मेटिंग में एक जगह पर जाके मिलते हैं तब ये क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, और ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो मिक्स कैरेक्टर लेके चलेगा, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर लेके आगे चलेगा, जैसे फेयर और डार्क का एग्जाम्पल ध्यान में रखना यहाँ पर। तो ये अगर चीजें हो रही है यहाँ पर, तो वहां पर हमारा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल देखो आपको मतलब फॉर्मूला लगा के देखो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, 1 मिनट समय ले लो इसके लिए, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ शीप टू बी इन हार्डी वेनबर्ग, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग के लिए हम शीप का एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने, और उन्होंने बताया है कि ब्लैक उल देने वाली जो है, ब्लैक उल मतलब स्मॉल डब्ल्यू, तो ये क्या है, ऑब्वियसली क्या रहेगा, रिसेसिव रहेगा, ठीक है, हैज अलील फ्रीक्वेंसी 081, ये 081 है, वेयर व्हाइल द अलील ऑफ व्हाइट मतलब कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, तो इसका है 019, ये है 081, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का यहाँ पर क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा, जहां पर डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू दोनों आएंगे उसे हम कहेंगे हेटरोजाइगस, ठीक है। अब ये हेटरोजाइगस को कैसे निकालते हो, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस
पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये टू पी क्यू को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पर टू पी, अब इसको अगर हम हमें पता है कि कैपिटल लेटर जो है या जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको हम पी से डिनोट करते, स्मॉल लेटर को हम क्यू से डिनोट करते, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल से डिनोट करते, तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, टू इंटू पी, ठीक है। पी क्या है, 0.19 इंटू यहाँ पर 0.81, ठीक है। चलो तो इसका जब आप कैलकुलेशन करते हो टोटली, तो हमें आंसर इसका मिलता है 0.378, ठीक है। अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इस वजह से 0.3078 को हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 30.78। अब 30.78 तो यहां पर नहीं है, बट 31% है, इसका मतलब ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सेंटर फॉर्मूला यहाँ पर ये रहेगा हमारा, ठीक है। इसको यूज करके आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो बेस्ट सुटेड ऑर्गेनिज्म है उसको नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना, ठीक है, ये है नेचुरल सिलेक्शन। अब तीन तरीके का नेचुरल सिलेक्शन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नेक्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीसरा है डिस्टर्बटिव सिलेक्शन, ठीक है। चलो, सो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, फिजिकल फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली फिटेड ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक सराउंडिंग, उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, एक मिनट। अब देखो, यहाँ पर एक हम स्पेसिफिक कैरेक्टर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कैरेक्टर चूज किया बॉडी साइज, ठीक है। तो इस कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर हमें उसी तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो मीडियम बॉडी साइज है। कैसे है, मीडियम बॉडी साइज है। अब मीडियम बॉडी साइज है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है देखने को, और रिसेसिव कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब बीच में वाला, बीच का एक कैरेक्टर हमें देखने को जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन का जो काउंट रहता है वो कम रहता है, बिकॉज ये मीडियम साइज है। अगर हम बोलते या तो लार्ज मिल रहे हैं या शॉर्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वेरिएशन एक तरफ, वेरिएशन का झुकाव एक तरफ ज्यादा होगा, बट यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वेरिएशन रिड्यूस मिलता है, तो इस वजह से मैं लिखूंगा यहाँ पर रिड्यूस वेरिएशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब इस कंडीशन को बैलेंसिंग कंडीशन भी बोला जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन क्यों बोला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखना बॉडी साइज मीडियम है, इसका ही मतलब क्या होगा कि जो अलील्स रहते हैं, ठीक है, वो बैलेंस रहते हैं, ना कोई एक रिसेसिव अलील ज्यादा रहेगा या डोमिनेंट अलील उस पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये थोड़ी स्टेबल कंडीशन रहती है, ठीक है। बैलेंस का ही मतलब स्टेबल होगा, और स्टेबल का मतलब क्या होगा कि उस इसमें हमें इवोल्यूशनरी सिस्टम देखने को नहीं मिलते, ठीक है, या इवोल्यूशन बहुत ही कम रहेगा, नो इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है, इवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसका ग्राफ जो है वो बेल शेप रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंडीशन रहता है इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मतलब उस, मतलब जहां पर पॉपुलेशन है वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको दोनों जो अलील्स है वो, मतलब उसको उसमें दोनों अलील उसमें इफिशियंट है,
ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो यही हो गया बैलेंसिंग। नेक्स्ट कंडीशन है डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल के अंदर होता क्या है, ठीक है, इसे हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं। अब प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है आइदर यहां पर स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म रहेंगे, मतलब ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है ये आइदर शिफ्ट होगा इस साइड में, ठीक है, या शिफ्ट होगा ये इस साइड में, ठीक है, या यहाँ पर कुछ लार्ज या बिग साइज जो है हमें ऑर्गेनिज्म या उनका बॉडी साइज देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है डायरेक्शनल, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज जो है वो एनी वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर पॉपुलेशन चेंज इन एनी वन डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो चेंज है, ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें देखता है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल कल देखा था, तो पहले क्या होता था, व्हाइट मॉथ जो है वहां पर बच जाते थे, ठीक है, ये सेफ रहते थे बिकॉज लाइकेन उस तरीके का था, व्हाइट कलर का था जो ट्री ट्रंक है उसके ऊपर, उस वजह से। फिर क्या हो गया बाद में, ब्लैक जो है वो सूट हो गए उस एटमोस्फियर के अंदर, ब्लैक जो ऑर्गेनिज्म है वो बचने लगे और व्हाइट का खात्मा होते गया। अब वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी, ठीक है, वो कैसी कंडीशन थी, वो किसके लिए फेवरेबल थी, ब्लैक के लिए। बट आने वाले 50 साल के बाद भी वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो किसके लिए फेवरेबल है, ब्लैक के लिए। तो अब क्या होगा कि व्हाइट जो है ये पूरी तरीके से वैनिश होते जाएंगे वहां पर, बिकॉज व्हाइट वालों के लिए बचना ही मुश्किल है ना वहां पर इस वजह से, और इस वजह से ब्लैक जो है वो आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो इसे हम कहेंगे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, मॉथ के अंदर जहां पर नेचुरली सिलेक्टेड हुए हैं ब्लैक मॉथ, व्हाइट पूरी तरीके से वैनिश हो गए हैं, ठीक है, और ब्लैक मॉथ वहां पर रह गए हैं, इसी वजह से इसको हम कहेंगे डायरेक्शनल। मतलब एक डायरेक्शन के अंदर हमें प्रोग्रेस होते हुई दिख रही है, ठीक है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो गया, हो रहा है, और इवोल्यूशन हो रहा है मतलब वहां पर क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और इसी वजह से इसको एक वर्ड दिया गया है प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। तो इस तरीके से इनको, इसको ध्यान में रखो, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ हमें चेंजेस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल जाए। और एक एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, मुझे समझो बुखार आ गया एक स्पेसिफिक एक्स वाई जेड बैक्टीरिया से, मैंने लिया एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक लेने के बाद पूरे बैक्टीरिया तो खत्म नहीं होंगे, कुछ बैक्टीरिया बचेंगे। अब कुछ बैक्टीरिया क्यों बचे, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गई, रेजिस्टेंस ही आ गई उस एंटीबायोटिक को लेके, और इस वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, मतलब वो नेचुरली सिलेक्ट हो गए उस कंडीशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्शन करेंगे तो उनको प्रीवियस जो एंटीबायोटिक है वो उनके ऊपर काम करेगी क्या, नहीं करेगी, मतलब प्रीवियस एंटीबायोटिक उनके ऊपर लागू नहीं होगी। और इसी वजह से देखना आज के समय में पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक कहीं भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा, बिकॉज पेनिसिलिन आज के समय में किसी भी काम का नहीं है। और आने वाले समय में अगर हम ऐसे ही इस तरीके से एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते रहेंगे तो आने वाले समय में एक भी एंटीबायोटिक काम में नहीं आने वाली हमारे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज उन बैक्टीरिया की जो है रेजिस्टेंसी बढ़ती जा रही है और उनका हो रहा है इवोल्यूशन उस वजह से। समझ में आ रहा है? तो इसे हम डायरेक्शनल सिलेक्शन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में हमें दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, और ये सिलेक्शन को हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मतलब दोनों तरीके के यहाँ पर, मतलब बिल्कुल आइदर एक
एक साइड और मतलब एक्सट्रीमिस्ट, दोनों भी एक्सट्रीम साइड के कंडीशन के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें टू पीक्स देखने को मिलेगा ग्राफ के अंदर, ठीक है, और ये रेयर इन नेचर है, ठीक है। बट वो जो दो कंडीशन हमने डिस्कस की वो हमें मोस्ट ऑफ देखने को मिलती है, जैसे स्टेबलाइजिंग जो है वो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती है, उसके बाद प्रोग्रेसिव भी जहां पर इवोल्यूशन चल रहा है वहां पर देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन ये बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है, किसी को प्रश्न है आप पूछ सकते हो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ये नेचुरल, ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया स्टेबलाइजिंग, ये डायरेक्शनल, और ये होता है हमारा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल यहाँ पर दोनों बार दिया है, ये डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये पोर्शन को हम खत्म कर लेंगे आज। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्केल है मेरे सामने, इस स्केल को कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब होता है हमारा अर्थ का इवोल्यूशन जब से हुआ है तब से स्टार्ट हुई टाइम स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इओन। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ये मास एक्सटिंक्शन को छोड़ दो, यहाँ पर ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला पोर्शन हमें देखने को मिलेगा इओन, तो चार इओन हमें देखने को मिलता है, एक है हार्डियन, नेक्स्ट है आर्कियन, नेक्स्ट है प्रोटियोजोइक एंड नेक्स्ट है पैंथेरोजोइक। ठीक है, उसके बाद है एरा, मतलब इवॉन जो है इवॉन किस में डिवाइडेड है, एरा के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब एरा जो है वो पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, और पीरियड्स जो है वो डिवाइडेड है इपोच के अंदर। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ बातें करूं यहाँ पर, तो आर्केरोजोइक जो है या आर्केन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या हुआ था कि प्रोकैरियोटिक का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ था। पैलियोजोइक जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है, जैसे एरा में देखो पैलियोजोइक यहाँ पर दिख रहा है, तो पैलियोजोइक में फॉसिल्स, मतलब आज जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं सबसे ज्यादा वो पैलियोजोइक एरा से है। ठीक है, जो मिडल पैलियोजोइक एरा है उसमें अल्गी का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ था, लेट पैलियोजोइक में फर्न का फॉर्मेशन हुआ था। मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि ये कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, जैसे डायनासोर हमें पता है ना, डायनासोर खत्म हो गए थे, तो कौन से पीरियड में खत्म हो गए थे वो, इस परमियन में। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है, सॉरी परमियन में तो वो जनरेट होना शुरू हो गए थे क्रिटाशियस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था, मतलब 80% अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिज्म वैनिश हो गए थे। ठीक है, देखना है यहाँ पर सभी लगभग 80% 70% 95% 85% इस तरीके का जब डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं, उसे मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चार एरा हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से, प्रोटियोजोइक, पैलियोजोइक, मेजोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, एक एक को देखते हैं हम। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं प्रोटियोजोइक। प्रोटियोजोइक में फर्स्ट सेलुलर फॉर्म हमें मिला था, ये 2000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर अगो। अब उसमें से एबिलिटी थी कुछ की O2 रिलीज करने की फोटोसिंथेसिस के मदद से। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए इसी एरा में। ठीक
इसमें हमें 6 पीरियड 6 पीरियड देखने को मिलते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा जो है इसमें हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे लैड ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आर्थोपोड जो है वो आए लैंड पे। उसके बाद जॉलेस फिश, मतलब जिनको जॉ नहीं, ऐसी फिशेस हमें देखने को मिली। ये इस एरा के अंदर हमें लॉब फिन्स भी देखने को मिले, ठीक है। अब ये ऐसे फिशेस थे एक्चुअली जो वाटर में भी रह सकते थे, ठीक है, लैंड पर भी रह सकते थे ऐसे, और इसी के मदद से एम्फीबियन का इवोल्यूशन होता है आगे चल के। नेक्स्ट है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हमें ये जो एरा देखने को मिलता है 542 to 252 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। अब इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वेर एग्जिस्टेड, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर कन्वर्ट हुए इस एरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्न प्लांट यहाँ पे हमें डेवलप होते हुए दिखेंगे, बट ये फर्न प्लांट क्या हो गए, डिपॉजिट होते गए कोल के फॉर्म में हमारे अर्थ के अंदर ही। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा मेजोजोइक। अब मेजोजोइक के अंदर भी हमें यहाँ पर 3 पीरियड देखने को मिलते हैं, 3 पीरियड डिफरेंट, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटाशियस, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड रेप्टाइल्स जो है, मतलब जो जमीन पर चलने वाले रेप्टाइल है, और वो कहाँ चले गए, फिर से वाटर में चले गए और फिर से फिशेज के अंदर इनका कन्वर्शन हो गया। उसका एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर भी देखने को मिल रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है, इस्थायोसोरस। उसके बाद कुछ लैंड रेप्टाइल्स है जैसे डायनासोर, ठीक है, ये यहाँ पर इस एरा के अंदर मिलते हैं। टायरानोसॉरस रेक्स, ये आपको जुरासिक पार्क में वगैरह मतलब देखा होगा फिल्मों में आपने, तो इस तरीके के डायनासोर भी हमें देखने को मिलते हैं। टूथ बर्ड, टूथ मतलब जिनको टीथ है, ऐसे बर्ड्स भी हमें देखने को इस एरा के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है कोइनोजोइक। कोइनोजोइक इसको हम एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इनमें 2 पीरियड है, एक टर्शरी दूसरा एक क्वार्टरनरी, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि डायनासोर जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, डायनासोर डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद पहला मैमल हमें देखने को मिलते हैं, पहले मैमल ये श्रू लाइक थे। श्रू लाइक का मतलब क्या होगा, ऐसे मैमल की जो छोटे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ मैमल हॉर्स जैसे, हिप्पोपोटामस जैसे, बियर रैबिट इनके जैसे हमें मिले, जैसे हॉर्स जैसा जो मैमल हमें मिला उसे इक्वस कहा जाता है, उसे कहा जाता है इक्वस, ठीक है। तो इक्वस मतलब आज का जो हॉर्स है ये इक्वस से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, पहले इक्वस था। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जाके ज्वाइन हुआ, और इस वजह से ओवर रीडर, ठीक है, यहाँ पर देखना एक वर्ड है, ओवर रीडन का मतलब होता है वर्चस्व दिखाना, ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिकन फौना जो है वो ओवर रीडन हो गई, ठीक है, इन एनिमल से। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव मतलब किया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिशन नहीं थी, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। तो इस तरीके का कंप्लीट इवोल्यूशन हमें जियोग्राफिकल स्केल में देखने को मिलता। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अब छोटा सा ही पार्ट बचा है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ड्रायोपिथिकस एंड ड्रामापिथिकस ऐसे दो तरीके की हमें प्रजाति मिलती है ह्यूमंस की, ठीक है। ये 50 मिलियन ईयर अगो थे, हेयरी थे, ये गोरिला चिंपांजी जैसे चलते थे। ड्रायोपिथिकस ये एप लाइक था थोड़ा सा, रामापिथिकस ये मैन लाइक था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो देयर वेर अ मैन लाइक प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका में ये हमें मिलते हैं, उनकी हाइट 4 फीट तक थी और ये खड़े होके चल सकते थे, ठीक है। तांजानिया इथोपिया में भी हमें कुछ फॉसिल देखने को मिलते हैं इनके। नेक्स्ट आते
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, ये 2 मिलियन ईयर को हमें मिलेंगे, ठीक है। ये अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ये स्टोन से हंट कर सकते थे, शिकार कर सकते थे और फ्रूट्स भी खाते थे, फल भी खाते थे। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं होमो हैबिलस और होमो इरेक्टिकस, ठीक है। अब होमो हैबिलस जो है वो 2 मिलियन ईयर को ये ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे, ये स्टोन वो वेपन से हंट करते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखना ये 1.5 मिलियन ईयर अगो इरेक्टस, इनका ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी था, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मेट खाते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जाके मिलते हैं नियंडरथल मैन, ठीक है। तो ये नियंडरथल मैन जो है इनका ब्रेन कैपेसिटी रहता है 1400 सीसी, मतलब 1400 सीसी, और इनका टाइम पीरियड है 40,000 ईयर अगो, 1 लाख टू 40,000 ईयर अगो। ये सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो लोग है ये क्या कर सकते थे, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते थे, किसी भी चीज के पीछे जाके ये रोक सकते थे, मतलब उनकी ब्रेन कैपेसिटी उतनी डेवलप हो गई थी कि वो खुद को छुपा सकते थे। और ये डेड बॉडीज को क्या करते थे, ब्यूरिट करते थे, ठीक है, जमीन के अंदर छोड़ देते थे। नेक्स्ट आते हैं होमोसैपियन को, होमोसैपियन को क्रो मैग्नन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, क्रो अब क्रो मैग्नन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनके फॉसिल्स मैग्नन नाम के मतलब क्या बोलेंगे हम, जो रॉक रहते हैं उसमें मिले इस वजह से। और इनका टाइम पीरियड 75,000 ईयर या 1 लाख ईयर है हमें देखने को मिलेगा आइस एज में, ठीक है। आर्ट भी हमें देखने को मिलती है जो 18,000 ईयर पहले की थी, जो हमें केव्स आर्ट जिसे हम कहते हैं, ऐसी आर्ट भी हमें मिली है। ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और ये सेटल होने लगे 10,000 ईयर पहले से, ठीक है। तो इस तरीके का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। आज का जो ह्यूमन है वो होमोसैपियन सैपियन है। जैसे देखो होमोसैपियन का ब्रेन कैपेसिटी था ना, इनका अगर ब्रेन कैपेसिटी की बात करें ये 1400 सीसी था, ठीक है। आज का जो ह्यूमन है उसका ब्रेन कैपेसिटी 1600 सीसी तक है, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेट अगर एवरेज हम करते हैं तो मतलब किसी में 1500 होगा, किसी में 1600 होगा, बट एवरेज 1450, ठीक है, मतलब 1450 सीसी का देखने को मिलता है ब्रेन। अब ब्रेन कैपेसिटी का मतलब ये होगा, सॉरी सीसी का मतलब क्रैनियल कैपेसिटी होता है, नॉट क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रैनियल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन जो कवटी है ये, ठीक है, स्कल जो है उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, तो उससे कहते हैं हम क्रैनियल कैपेसिटी। जितना ज्यादा मतलब क्रैनियल कैपेसिटी स्ट्रांग रहेगा उतना उसका ब्रेन जो है वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा, काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपके सामने देखने को मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, एक मतलब एक व्यू के अंदर सारी चीजें हमें मिल जाए, ठीक है। सो यही था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैम रहेंगे और मैम ही आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ठीक है, कल और परसों के क्लास में इवोल्यूशन का। अगर किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है देन यू कैन लीव, वी विल डिस्कस द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।